ओए ओए ओए, लड़ाई हो गई, लड़ाई हो गई, लड़ाई हो गई, लड़ाई हो गई। पटवारी भी आए हुए हैं जो बोटियां चुरा रहे हैं। पटवारी नहीं दीदी, आप रोना नहीं है, बोटी मिल जाएगी आपको भी। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, MYK न्यूज़ टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट इकरा आबिद। ज़मान पार्क के बाहर मैं मौजूद हूं। आज पहला रोज़ा था और अफ्तारी की तैयारियां यहां पे चल रही हैं, और अफ्तारी की तैयारियां ऐसी चल रही हैं ना कि मेरा रोज़ा है और मैं कह रही हूं कि बस मुझे भी चीज़ें मिले और मैं खा जाऊँ। मतलब ये देखिए जी, मेरे राइट साइड पर जी कौरमा बन रहा है और ये रोटियाँ बन रही हैं। अगर आप इधर देखते हैं तो ये फ्रूट्स हैं, फल हैं, और फल में मैं आपको क्या बताऊँ, सारे फल हैं। तो आइए यहाँ पे जो एक सर हमारे साथ खड़े हैं इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि ये तो बेहतर बताएंगे ना, ये तो बाहर की चीज़ें, अंदर में और कौन कौन से फ्रूट्स वगैरह पड़े हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या क्या है खाने में अफ्तारी में आज? मतलब पहला रोज़ा है ना, तो पहली अफ्तारी ज़रा अच्छी होगी आज। मैंने कोशिश की है कि आज जो है हर चीज़ जो यहाँ पे हो। हमने मटन भी बनवाया है, चिकन भी बनवाया है, उसके अलावा जो है हमने जलेबी भी है और नान है, सब कुछ है, सब चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आके कुर्बानियाँ दे रहे हैं ना, उनकी कुर्बानियाँ ज़ाया नहीं जाएंगी, मतलब रज पूछ के कुर्बानी देंगे वो। जी जी बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला ये और ये दस्तखान पूरा आज के रोजे के लिए है कि आगे वाले रोजे? पूरा महीना चले, पूरा महीना चलेगा। हाँ? पूरा महीना खर्चा कहाँ से आएगा इतना? अल्लाह का शुक्र। कौन दे रहा है इतना पैसे सारा साल? वैसे ये इमरान खान साहब दे रहे हैं। जी इमरान खान साहब के मेहमान हैं सब, और इंशाल्लाह उन्हीं के। वो खुद लगा रहे हैं या उनके जो चाहने वाले हैं वो ये सारा खर्चा? चाहने वाले जो है ना इमरान खान साहब नहीं, इमरान खान साहब के, उनकी ये उनके हमारे में क्या फर्क। जैसे जैसे इफ्तारी का टाइम करीब आ रहा है वैसे वैसे लोग दुआएं मांगना शुरू हो गए हैं। पता नहीं अब दुआएं कौन कौन सी मांग रहे हैं। और मैं आप लोगों को मेन्यू के बारे में अगर बताऊँ तो आप कोई भी चीज़ अगर माइंड में सोचते हैं ना कि वो चीज़ होगी या नहीं होगी तो वो चीज़ मतलब हो ना, ये हो ही नहीं सकता। तो आ जाए यहाँ पे। ये जी बहुत ही खूबसूरत, इतनी प्यारी दुआ मांग के इन्होंने ऐसे किया। मैं पहले तो पूछूंगी क्या मांगा है दुआ में? अपना वतन मांगा है। हाँ। अपने खान साहब की खैर मांगी है, अपने बच्चों की खैर, इस मुल्क की खैर। अच्छा। इस मुल्क के अवाम की खैर। हमें सिक्योरिटी चाहिए, हमें अच्छा मुल्क चाहिए जो अपने पाँव पर खड़ा हो, जो बाइज्जत दुनिया में जिसकी इज्जत हो। हम लोग बहुत परेशान हैं, गरीब लोग बहुत परेशान हैं, और हमारा दिल उनके दुख में शामिल है कि इस मुल्क को कहाँ से ये लोग कहाँ पर ले आए हैं। ये जाओ ये रो रही हैं, अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल करे, और अपने घर छोड़ के ये लोग यहाँ पे बैठे हैं और इमरान खान साहब के घर के आगे बैठे हुए हैं। अफ्तारी की तैयारी हो रही है, रोज़े रखे हुए हैं सबने, और एक साइड पर यहाँ पर अगर देखें तो नाते पढ़ रहे हैं। थोड़ी सी हम इनकी नाते भी सुनते हैं। तो रब्बे दो आलम का महबूब या गाना है, कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगा। अब आगे चलते हैं कि आगे क्या क्या चल रहा है, क्या क्या हो रहा है। मतलब ज़मान पार्क काफी बड़ा है तो हमने सारी जगह कवर करनी है। तो आ जाए डायरेक्ट, ये लीजिए एक और आंटी हमारे साथ मुझे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तैयारी जा रही है रोजे की, रोजे वगैरह? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अचानक से रोजा हुआ है और अचानक से सारी तैयारियां भी हो गई हैं। मैं देख रही हूँ मेन्यू में मतलब हर चीज मौजूद है यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह। खाना हमारा कौन कर रहा है? आप ये हमारी तंजीम भी कर रही है और वॉलंटियर भी लोग आ रहे हैं। और मैं कहती हूँ कि आप फ्री ना उन लोगों पे जो खुद से हमें कॉल्स कर रहे हैं कि आप लोगों को क्या चाहिए, क्या चीज़ें चाहिए। खाने में है क्या क्या? वैसे खाने में बिरयानी है, दही बड़े हैं, चाट है, खजूरें हैं, और ऐसी चीज जो ना हो। शौर में कल रात को एक औरत पराठा रोल लेके आई है, और मैं कहती हूँ क्या चीज़ें नहीं यहाँ आती। अच्छा, यहाँ पे अगर कोई नून लीग आना चाहे, नून लीग का बंदा आना चाहे, खाना खा सके? कह रही मोस्ट वेलकम, आए खाएं। बिल्कुल, जब उसका रिस्क इधर लिखा हुआ है तो हम कौन होते हैं उनको मना करने वाले? पीटीआई वालों के वेलकम, नो प्रॉब्लम। आज आगे चलते हैं। अब सहरियाँ भी हो रही हैं, इफ्तारियाँ भी हो रही हैं और गिरफ्तारियाँ भी हो रही हैं, लेकिन लोग अपने वही जज्बे के साथ ये देखें कहीं भी आपको ऐसा रूहानी मंजर आपको गिरफ्तार कर लिया फिर क्या करेंगे? नहीं, डंडे बढ़ेंगे डंडे। क्यों करें? हम खा रहे हैं यहाँ पे, दो महीने से डंडे खा रहे हैं, अपने मुल्क के लिए खाएंगे ना हम। अच्छा। एहसान तो नहीं करना, बच्चों के लिए हमने आसानियाँ पैदा करनी, खान के साथ है। और ये बात जरूर मेरी सुनाइएगा लोगों के, सहरियाँ, इफ्तारियाँ और गिरफ्तारियाँ।
देखिए जी मतलब इन्होंने इंतजार भी नहीं किया और वो प्लेट्स में बिरयानी डालना शुरू हो गए हैं, चमचे खड़कना शुरू हो चुकी हुई हैं। एक लास्ट में इजाजत भी मांगती हूँ आपसे और इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लोगों ने इंतजार भी नहीं किया, बिरयानी खाना मतलब पलटना शुरू कर। नहीं एक्चुअली इंतजार की बात नहीं है, टाइम हो गया तो सबको वो पहुँचा रहे हैं। वो अपने लिए जो पीछे दोस्त बैठे हुए हैं ना, अफतारी स्टार्ट हो जाएगी तो फिर उन तक खाना लेट हो जाएगा। हम जैसे जो मासूम आए हुए हैं उनके लिए भी कुछ है खाने के लिए? सब सारा कुछ आपके लिए है। आप मासूम पहले रिकॉर्डिंग कर लेना, फिर आप लोग भी अफतारी करें। यह सबके लिए खुला इंतज़ाम है, हमारे खान साहब के नाम के सबके लिए यहाँ पे खुला इंतजाम है, कोई भी आके खा सकता है। सुना था कि नून लीग की बिरयानी देते हैं, आज आप लोगों के स्टॉल में भी बिरयानी देख लिया मैंने, ये तो फिर गलत नहीं हो गया? ये बिरयानी अफतारी के लिए है, हम यहाँ से किसी को खरीद के नहीं बिरयानी पे लेके जा रहे, यहाँ पे हम लोग अफतारी कर रहे हैं और वहाँ पे बिरयानी दी जा रही है ना। हाँ जी चले, बातें होती रहेंगी, इफ्तारी का टाइम हो गया हुआ है तो मैं भी चलती हूँ कहीं भी किसी स्टॉल पे जाके मैं भी इफ्तारी करती हूँ। ओए ओए ओए, लड़ाई हो गई। अंकल जी की हो गया? डिसिप्लिन मतलब बोटियां ले गया वो सारी? नहीं सब का लड़ाई हो रहा, ऐसा लड़ाई हो रही है। वो बेचारा पटवारी भी आए हुए हैं जो बोटियां चुरा रहे हैं, पटवारी बोटियां चुरा। वो ये कह रहा होगा कि उसको टांग वाली बोटी दे दे, तो दे दे बेचारे। मेरी बात भाजी, इधर पूरा सब लागे, नहीं टाइम नहीं है हमारे पास। अंकल बहुत गुस्से में है, शदीद गुस्से में। नहीं दीदी आप रोना नहीं है, बोटी मिल जाएगी आपको भी। जी नाज़रीन सबकी बातें आपने सुनी है, रफ्तारी का टाइम हो गया है, मैं भी आप लोगों से इजाजत चाहती हूँ क्योंकि ये अपलोड भी तो करना है, आप लोगों ने देखना भी तो, और मैंने भी तो रफ्तारी करनी है। पीटीआई का झंडा मेरे सर पे लगे जा रहा है कि आप निकल जाओ यहाँ से। तो अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें, मेरा भी रोज़ है, मेरी जुबान ना वैसे वैसे हो रही है, तो कमेंट करें, शेयर करें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। दोबारा से मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, मुझे नहीं तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।